जम्मू कश्मीर में चुनावों में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कश्मीर घाटी में पार्टी निर्दलीय उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। बीजेपी नेताओं की एक अहम बैठक के बाद इस बात का ऐलान किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इससे पहले चौधरी जुल्फिकार अली ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की थी। पेशे से वकील रहे जुल्फिकार ने 2008 और 2014 की विधानसभा चुनावों में पीडीपी के टिकट पर राजौरी जिले की दरहाल विधानसभा से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। 2015 से 2018 तक वे महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार के कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। तो जम्मू कश्मीर में चुनावों पर बीजेपी फुल एक्शन में है। एक तरफ बीजेपी नेताओं ने जम्मू में चुनावी रणनीति पर चर्चा की, जबकि दूसरी तरफ पीडीपी को झटका देते हुए जुल्फिकार अली ने बीजेपी का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि जुल्फिकार के आने से बीजेपी को इन चुनावों में काफी फायदा होने की संभावना है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जम्मू में बीजेपी की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। वहीं आपको बता दें कि पीडीपी के जुल्फिकार अली बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कहा यह जा रहा है कि इस चुनाव में बीजेपी को उनके आने से फायदा होगा। जम्मू कश्मीर का जनता विकास चाहते हैं। पुराने जो संगठन थे, व्यवस्था थी, याद है सब लोगों को। आज जो बदलाव स्थिति में जम्मू कश्मीर जनता को विश्वास देने के लिए प्रयास करेंगे। बिल्कुल जम्मू कश्मीर में परिवारवाद, भ्रष्टाचारवाद पार्टी नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम पूरा तैयारी से चल रहे हैं। सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। सर, जुल्फिकार जी का ज्वाइन करना देखते हैं। मुझे लगता है कि जो भी तत्व, जो भी शक्तियां, जो भी नेता, जो भी कार्यकर्ता, जो भी समाज के वर्ग मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को अपना एक प्राकृतिक संबंध समझते हैं, उसके साथ जोड़ते हैं। बीजेपी में शामिल होने पर चौधरी जुल्फिकार अली ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। हम इस बात पे यकीन रखते हैं के लोगों को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में घर मिल रहा है। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि एक आम आदमी को सेहत का जो है वो 5 लाख का बीमा मिलता है, उसको हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिलता है, आम आदमी को फ्री राशन मिलता है। पर ये जो भाजपा की पॉलिसियां हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज हैं, हम उन पॉलिसी से, क्योंकि हमारे जो अंतिम व्यक्ति है, जो लास्ट पे है, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उन तक ये चीजें पहुंची है। ये चीजें हमें प्रभावित करके, हम बैकवर्ड इलाके के लोग हैं, हमें। उधर पीजीपी की घोषणा पत्र समिति की भी आज बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता महबूबा मुफ्ती करेंगी। इस बैठक